भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस का महंगाई व कांग्रेस का घोटालों के साथ चोली दमन का साथ है। बुधवार को नाथूसर गेट स्थित सूरदासानी बगीची भवन में सर्व भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब जब कांग्रेस का शासन आया है, आम जन दुखी एवं प्रताड़ित हुआ है। वह महंगाई के बोझ तले दबा है। कांग्रेस सरकार के मंत्रियों में बड़े से बड़े घोटाले करने की होड़ मची हुई है। जनता कांग्रेस के शासन को उखाड़ने तथा भाजपा की सुशासन को लाने को आतुर है। भाजपा पदाधिकारियों को आमजन से जुड़ी समस्याओं को उठाने, आमजन से जुड़ने की नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता पार्टी अनुशासन को सर्वोपरि रखते हुए अपनी समस्याओं को पार्टी बैठकों में रखे। किसी भी पदाधिकारी व पार्टी के खिलाफ कार सार्वजनिक बयानबाजी से बचे। चतुर्वेदी ने कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिदिन पार्टी के लिए समय निकाले तथा पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से संवाद कायम रखे। पदाधिकारी कोर ग्रुप का गठन कर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करे। पदाधिकारी पार्टी की मजबूती के लिए बैठक करे, नई योजनाएं बनाए तथा योजनाओं को मूर्त रूप दे। उन्होंने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को जोड़ना, उनको सक्रिय रखना तथा उनसे संवाद बनाए रखना जरूरी है। बूथ लेवल पर सभी वर्गों के कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व जरूरी है। इससे पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तेल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर जिला कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य सत्य प्रकाश आचार्य, पूर्व विधायक नंदलाल व्यास, वरिष्ठ भाजपा नेता सोमदत्त श्रीमाली, ऋखभ दास बोड़ा, शहर भाजपा अध्यक्ष महामंत्री विजय आचार्य सहित बैठक में शहर भाजपा कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रदेश प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष, महामंत्री मोर्चा अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के संयोजक, पार्षदगण, नेता प्रतिपक्ष निगम मोहन पूनिया भी उपस्थित थे। बैठक में शहर भाजपा की ओर से सुरेश शर्मा ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। शहर भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में रखे राजनीतिक प्रस्ताव में पीबीएम अस्पताल की समस्याएं, मेडिकल कॉलेज को संगठक कॉलेज बनाने का विरोध करने, बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करने, तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्तावों को भी शामिल किया गया। केरोसिन का तेल मिलता नहीं था, राशन की दुकान पर लाइन लगती थी, राशन का सामान नहीं मिलता था, पुलिस की लाठी मिलती थी, 2 रुपए 40 पैसे हुई। और जो जिस केरोसिन के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, उस केरोसिन को रेल के रिक्शे के पीछे ट्रॉली में लेकर के गली गली में घूमता था केरोसिन मिल रहा। उसमें तेल का जमाना था, गैस के लिए उपलब्धता नहीं थी। यह अंदर एक छोटा मोटा ध्यान आता है कि 77 से पहले कांग्रेस का शासन, दिल्ली की कीमत, कांग्रेस का शासन समाप्त हुआ, विरोधी दल का सरकार आई, मुरारजी का शासन, अटल जी अडवाणी जी प्रधानमंत्री, किन तत्वों को नियंत्रण रखा, राशन कार्ड गायब हो गए, राशन कार्ड अड़ताली बंद हुए, सब चीज सुबह बोलने लगी, जमाखोरी समाप्त हुई, जनता को राहत मिली। 2004 में अटल जी का शासन, अटल जी के शासन में चीनी 14 रुपए किलो, कांग्रेस का शासन आते ही चीनी पहुंची 700 रुपए किलो। जो कांग्रेस हमारे शासन में सब चीजों को नियंत्रण, पेट्रोल कम, डीजल कम, तेल की कीमत कम, गैस की कीमत कम, हमने राहत देने का काम किया। पेट्रोल की सरकार आने के बाद 8-12 तक पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ चुकी है, कपड़ा महंगा, सामान महंगा, दाल महंगी, तेल महंगा, चीनी महंगा, हर चीज एक तरह से कहें तो रोटी कपड़ा मकान, इन सब चीजों की कीमतें कांग्रेस के राज में बढ़ी। तो कांग्रेस और महंगाई ये दोनों साथ चलती हैं, इनका चोरी आने का साथ है। इसी प्रकार कांग्रेस और भ्रष्टाचार, 1949 में पहला जी घोटाला हुआ, जिसमें 70 हजार का घोटाला था। उस घोटाले में उस समय के रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, वो फोर्स घोटाला सरकार गई, उसके बाद आज घोटालों का अंबार है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में मंत्रियों में प्रतियोगिता चल रही है कि कौन बड़ा घोटाला करता है। 76 हजार करोड़ का एक घोटाला, 1,73,000 करोड़ का एक घोटाला, 2 लाख करोड़ का एक घोटाला। पहले तो जब घोटाले होते थे तो मंत्रियों के इस्तीफे देने के पीछे, लेकिन अब कांग्रेस के राज में मंत्री इस्तीफे नहीं, मंत्रियों के जेल जाने का चल रहा है, नए नए एक एक करके कई मंत्री तिहाड़ जेल में पहुंचे। कई घटनाएं कहा सुब्रो स्वामी जयपुर आए, उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं है जब चिदम्बरम और चिदम्बरम की माँ, ये दोनों चाहे घोष का मामला होगा या फिर पुलिस प्रकरण का मामला, इन दोनों मामलों में इनको तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। तो जनता प्रतीक्षा कर रही है कि अब नंबर किसका है,